आधे से ज़्यादा विशाखापट्टनम घूमने के बाद हम फिर भी नहीं थके, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत जगह है कि हमारा फिर से मन किया कि हम एक नई जगह और जाए। तो हम पहुँचे इस बीच पे, बहुत ही शांत और काफ़ी साफ़ सुथरा जो ये बीच था। अभी आप सामने देख रहे हैं कि कितना जो सन है वो कितना प्यारा लग रहा है। सुबह के इस वक्त बजे थे 7:40, तो इस वक्त जो है हम बीच पे पहुँचे। काफ़ी ही शांत वातावरण जो था इस बीच का था। यहाँ पर जो है बड़े बड़े नारियल के पेड़ थे। इसके अलावा जो है हमको यहाँ पे एक क्रैब मिला। आप देख सकते हैं सामने कि क्रैब कैसे शांति से बैठा, फिर एकदम से बाद में झटके से एकदम से ये वहाँ से भाग जाता है। क्रैब के साथ खेलने के बाद जो है हमारी नज़र जो है सामने पड़ी। सामने हमको कुछ दिख रहा था कि कुछ है, तो सामने जाके जब हमने देखा तो ये टर्टल था। बट ये हम बड़े खुश हुए इस टर्टल को देखकर, लेकिन बाद में जब सामने इसके नज़दीक आए तो देखा कि ये टर्टल जो है मर गया था। मतलब ये काफ़ी बड़ा टर्टल था, इसे स्मेल जो है वो भी बहुत आ रही थी। लेकिन फिर भी इतने बड़े टर्टल जो है मैंने पहली बार देखा था, तो इसको देखने के बाद मैं रुक नहीं पाई और इसको टच करने का जो है मैंने सोचा कि इसको मैं एक बार छू के जरूर देखती हूँ कि कितने ये जो है हार्ड होते हैं, इनकी शेल कितनी हार्ड होती है। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि समुद्र की लहरें कितनी तेज़ है। राघव भी लहरों के बीच में गए, लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था इसलिए मैंने उनको वहाँ से वापस बुला लिया, क्योंकि लहरें काफ़ी तेज थी। टर्टल के बाद जो है हमारी नज़र जो है फिश पे पड़ी। ये फिश जो है ये ब्लो फिश है, ये ब्लो करती है, लेकिन ये भी मरी हुई थी। इसके बाद जो है हमको एक अंकल दिखे जो कि मछली पकड़ के लेके आए थे। काफ़ी सुंदर जो मछली थी इनके पास थी, और उस मछली का नाम जो है वो तेलुगू कारा था। हमने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इस मछली का नाम जो है तेलुगू कारा है। तेलुगू कारा? हाँ, कारा तेलुगू। वाह, कहाँ है ये? यहीं से निकली है। हाँ, अच्छा वाला मछली। सुपर। बोटल लेके आओ ना, एक ये जिंदा नहीं है ना? जिंदा नहीं है। Thank you.